बनारस का नाम सुनते ही आपके मन में गंगा नदी, उस पर बने सीढ़ियों वाले घाट, घाटों पर बने मंदिर, हाथों में चिल्लम लिए गांजे का दम भरते साधु और माथे पर तिलक लगाए बाबा भोलेनाथ का नाम जपते भक्त, ये सभी ख्याल एक सिरे से आपके मन में दौड़ जाते होंगे। पर ये शहर जिसे हम मोहब्बत से कभी काशी, कभी बनारस या वाराणसी बुलाते हैं, आखिर है क्या और आया कहाँ से? कहाँ, कैसे और कब की खोज ने हमें उस इंसान से मिलाया जिनकी सूरत हूबहू बनारस के पुराने इतिहास से मेल खाती थी और उनकी सफेद दाढ़ी से गंगा की एक धारा बह रही थी। अपने किताब खाने में बैठे बैठे उन्होंने हमें खूब सारी कहानियां सुनाई, तो मैं भी किसी बच्चे की तरह उन्हें सवालों में उलझाता रहा। ऐसे ही एक किस्सा था शिव और पार्वती का। और वो कहते हैं कि जब शिव और पार्वती जी का विवाह होता है और विवाह के बाद में फिर दोनों लोग ये कहते हैं कि वेयर वी टू एक्चुअली हैव टू रिसाइड, हम दोनों अब कहाँ रहेंगे। तो फिर वही वो लोग काशी आते हैं और उस समय काशी का नाम एक आनंद कानन भी है और आनंद कानन का मतलब होता है कि ब्लिसफुल फॉरेस्ट। सो दिस वॉज एक्चुअली ब्लिसफुल फॉरेस्ट। तो फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हम काशी में ही रहेंगे। और फिर कहते हैं कि इस, क्योंकि आपको पता है कि पार्वती जी ने एक्चुअली अपने पिता की इच्छा से शादी नहीं किया था, राजा दक्ष खुश नहीं थे, तो उसके लिए फिर वो पूरा एक टीम भेजते हैं काशी कि जाओ देख करके आओ कि किस तरीके की वहाँ व्यवस्था है और क्या कमियाँ हैं, वो सब तुम लोग पता करके उन सब कमियों को दूर करके आओ। तो यहाँ टीम आती है पूरी। तो लोग जब आते हैं तो काशी में प्रवेश करते ही उन्हें एक परिवर्तन हो जाता है, देयर इज अ शिफ्ट, एक शिफ्टिंग है। और वो ये शिफ्टिंग है कि मन जो है ना बहुत शांत हो जाता है। वो लोग जो भी विचार करके आए थे, जो वस्तुएं लाए थे, उसका यहाँ कोई अभाव ही नहीं दिखा, तो उन्हें दिया नहीं। तो फिर जा करके जब वापस जाते हैं तो राजा दक्ष को रिपोर्टिंग करना है, तो रिपोर्टिंग करते हैं, कहते हैं कि जो अनुभव हम काशी में आए हैं लिया हुआ है वो अनुभव शब्दों से नहीं बताया जा सकता है, वो आप जाएंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे, वो काशी ऐसी है और उसकी शांति, उसकी डिविनिटी जो है, उसकी भव्यता दिव्यता, वो सब एक्चुअली आपके भी राज्य में नहीं है। मुंबई में रहते हुए अक्सर समंदर से बातें करता था। पत्थर से टकराती हुई लहरों से बस एक ही आवाज गूंजती थी, रुकना मत, अभी बहुत दूर जाना है। पर ऊंघते हुए सूरज के नीचे घाट की सीढ़ियों पर पसरा मैं एक पल के लिए ठहर सा गया। यहाँ ना तो पत्थर थे और ना ही चोट खाती लहरें। गंगा को मैंने खामोश पाया, ठहरा हुआ,
जैसे जिंदगी से जूझते हुए थका हारा कोई व्यक्ति किसी पेड़ की छांव में बैठ जाता है। पूरी उम्र किसी चीज के पीछे बसर कर देने के बाद उसे पता चलता है कि ये सब एक खेल था। मैं भी कान लगाए इस खामोशी को ध्यान से सुनता रहा। धर्म जो है कल्याण का मार्ग बताता है। धर्म ये बताता है पहले आप अपने को समझिए कि हम कौन हैं। अमूमन लोग जो है अपने को ये मानते हैं कि हम शरीर हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम शाश्वत परमात्मा के अंश हैं। ना हम संसार के हैं, ना संसार हमारा है, ना हम शरीर के हैं, ना शरीर हमारी है। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं। ये शरीर परमात्मा की दी हुई है, ये संसार परमात्मा का दिया हुआ है। जब हमको ये बोध हो जाएगा कि ये संसार जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें जीव आके भटक रहा है, लपचौड़ासी भोग रहा है, वो इसको रास नहीं आएगी, मिट्टी धूल के समान नजर आएगा। दिन के ढलते ढलते वक्त हो चला था गंगा आरती का, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और आए भी क्यों ना। बेंच पर खड़े पुजारी जब लौ के जलने का इंतजार कर रहे थे, तो उनमें से एक सभी को बैठ जाने की हिदायत दे रहा था, ताकि सबको आरती दिखाई दे। गंगा आरती को शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पुजारियों का एक साथ एक ही लय में घूमना और साथ में जलती हुई लौ को अपने हाथों पर संभालना किसी फिल्म का वेल कोरियोग्राफ्ड सीन मालूम होता है। इतने खूबसूरत दृश्य के लिए माँ गंगा भी अपने सारे काम छोड़ एक किनारे बैठ इसका इंतजार रोज जरूर करती होगी। अब रात ने अपनी पकड़ पुख्ता कर ली थी। अब समय था महाशमशान जाने का, मणिकर्णिका घाट, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। इस घाट के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव खुद यहाँ आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। मणिकर्णिका की ओर जाती गलियों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने सीने पर कुछ भारी सा रख दिया हो। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। हर 5 मिनट में एक नया शव घाट तक पहुंचता। एक चिता पे शरीर की चमड़ी को जब मैंने पिघलते हुए देखा, तो बस देखता रह गया। जिंदगी क्या है, इस सवाल की परतें धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने खुलती रही। बगल में एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, एक दिन आपको भी यही आना है।